अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये है आज का मेरा व्लॉग और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना मज़ेदार से सैंडविचेस, ये हैं रेनी सैंडविचेस। तो हमारा बड़ा दिल कर रहा था तो मैंने तो अम्मी को बोला था जो हम पहले रेसिपी शेयर कर चुके हैं ना वही वाले बना लेते हैं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा पसंद आए थे। तो अम्मी ने जो है ना फिर दूसरे किस्म के बनाए रेनी सैंडविचेस ना, तो ये बहुत ही मज़े के थे और बहुत ज़्यादा इजी थे ना। बस वेजिटेबल काटने में मुश्किल होती है और कुछ नहीं। ये सब कटिंग करने में टाइम लग जाता है, इस वजह से इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और वेजिटेबल तो आपने देख ही ली होगी, बाकी मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कितने लेने हैं। इवन मीडियम हमने कैबेज ली थी और हमने जो है कैरेट लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, और कैप्सिकम ली थी 1 लार्ज, और कॉर्न लिया था 1 कप, और पोटैटो लिए थे हमने 2 मीडियम साइज़ के। अच्छा, ये जो गाजर और आलू हैं इसको हमने ना बॉईल करके फिर कट किया है। बिल्कुल 2 मिनट की स्टीम दी थी ताकि जो कि हमें जल्दी जल्दी सब सब्जियों को चिकन के साथ जो है मैरिनेट करना है, तो ये ज़्यादा नहीं पकानी हमें, ठीक है। अब जो है हमने ऑयल गरम करके लहसुन पेस्ट डाल दिया है 1 खाने का चम्मच, और ये चिकन जब लहसुन फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे इसी लहसुन के पेस्ट में। अब जिसमें हम चिकन को फ्राई करने के बाद आधा कप पानी डालेंगे चिकन गलाने के लिए, और हरी मिर्चें हमने 2 ली हैं उसको कट करके डाल दिया है, और बाकी मसाले भी हम आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। और देखें हमें इस टाइम ना मुनसिफ पता है क्या कर रहा है कि हमें ना इतना तंग कर रहा है, हमारा मोबाइल बार बार छीन रहा है, हमें रबिंग ही नहीं करने दे रहा। इसी चिकन में से सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, चिकन पक जाएगी, तो हम इसमें सब सब्ज़ियाँ ऐड करते जाएंगे और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि सब्ज़ियाँ अपना पानी ना छोड़े, और ये बिल्कुल हमें ड्राई ड्राई सा रखना है। बस सारी सब्ज़ियाँ डालने के बाद हम सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद हम इसमें 1 प्याली बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल ही है, अगर आपके पास सही है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का, ये भी आपकी मर्ज़ी है। और फिर हम साथ ही आलू भी डाल देंगे, क्योंकि आलू हमने शुरू में नहीं डाले थे, आलू हमारे बॉयल थे। बस फिर केचप डालने के बाद हम जल्दी जल्दी इसको सब्ज़ियों में मिक्स करेंगे और 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। अब यहाँ पे हमने ब्रेड ले ली है, और ब्रेड की हम किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी आप देख लें, आपकी मर्ज़ी है। आप पूरे स्लाइसेस भी ले सकते हैं, लेकिन ये रेनी सैंडविच हैं तो ये गोल शेप में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने गोल के अलावा बिल्कुल स्लाइस साबुत रख के भी बनाया, क्योंकि फिर इस तरह से ब्रेड बहुत ज़ाया हो रही थी और मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी। अच्छा, अब ये हमारी सब्ज़ियाँ भी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई हैं, थोड़ी गर्म ही हैं, तो मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी। ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी ज़्यादा डालना चाहें, तो मैंने अपनी सब्ज़ियों के हिसाब से डाली थी। तो इस तरह डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लें और बस फिर हम सैंडविच बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने 3 अंडे लेके इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के और इसे अच्छे से बीट कर लिया है, तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अच्छा, इस जो सैंडविच की किनारियाँ खुली हुई हैं चौकोर वाले, उसको बंद करने का तरीका यही है कि आप जब इसे इस मिक्सचर में अंडे के डिप करेंगे तो किनारियाँ डिप करें,
चारों किनारियाँ डिप करें बस, और उसके बाद इसको हाथों से हल्का सा प्रेस करें तो ये पूरे सैंडविच में आराम से सेटल हो जाता है और किनारियाँ भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि असल में चीज़ हमें इसकी किनारियाँ बंद करनी होती हैं, ठीक है। और बिल्कुल हम इसे कम ऑयल में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल बहुत मामूली सा 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लेके एक साथ दो दो तीन तीन सैंडविच फ्राई करने। से जो है ना रेनी सैंडविच रेडी हैं, और इसको मैं कट करके भी दिखा दूँगी। और वैसे आज हमारा जो है ना बना है दम का कीमा, वो भी बग़ैर कोयले के, और अम्मी ने इतना मज़े का बनाया था, जब मैं तो समझी थी कि अम्मी ने कोयले की ना धुनी वगैरह दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो इतना मज़े का बना था ना कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब हमारे घर वालों को। तो उसकी रेसिपी भी अम्मी आपसे शेयर कर देंगी, ठीक है। आप पहले इस वीडियो का पूरा क्लिप देख लें और इसको मैं कट कर दिखा दूँगी, और आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को कौन सा कीमा पसंद है, खड़े मसाले का कीमा, आलू कीमा, दम का कीमा, बहुत सारे कीमे की टाइप्स होती हैं। तो मुझे तो ना बस अम्मी का ये वाला कीमा बहुत ज़्यादा पसंद है। अम्मी हर कीमा जो है ना बहुत अच्छा बना लेती हैं, चाहे वो आलू कीमा हो, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा पसंद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कीमा हमने लिया है 1 किलो मशीन का पिसा हुआ चिकनाई वाला, क्योंकि हम ऑयल नहीं डालेंगे। मसालों में हम लेंगे गरम मसाले में तेज़ पत्ते 2 अदद, दालचीनी 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, और 1 बादियान का फूल, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, जीरा 2 खाने के चम्मच, और अजवाइन 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम पहले रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको चॉपर में पाउडर बना लेंगे। अब कीमे में मसाले ऐड करेंगे, हम अदरक लहसुन लेंगे 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच। बाद में हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं। हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच, और दही लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 1 पाव दही हमने लिया है, उसमें से हमने 2 खाने के चम्मच अभी डाल दिए हैं, और बाकी दही में हम तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें लेके पीस के इसमें डाल देंगे। अब जो सारे मसाले हमने पीस लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और हरी मिर्चें दही के साथ पीस के वो भी ऐड कर देंगे, और एक मैंने मीडियम साइज़ की बड़े साइज़ की प्याज थे कि उसको गोल्डन कर लिया था, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। और ये आप लोग साथ साथ मुनसिफ की आवाज़ भी इंजॉय करें। हमने कोई कच्चा पपीता कुछ भी नहीं डाला है, बस हम इसे मसाला मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और फिर देगची में हमने कोई ऑयल नहीं डालना, बस ये तली हुई प्याज और दही और कीमे का अपना पानी, मसाले के, ये सब इन्हीं चीज़ों में कीमा पकेगा। तकरीबन 1 घंटे में हमारा कीमा पक के तैयार हो जाएगा।
ये देखें बस ये 1 घंटे में कंप्लीट हमारा कीमा पक के तैयार हो चुका है। बस हम इसका पानी खुश करेंगे और इसमें 1 लीम्बू का रस डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोयले की धुनी भी दे सकते हैं, लेकिन हमने कोयले की धुनी नहीं दी और ये बग़ैर धुनी के ही बहुत टेस्टी बहुत मज़े का लगता है। आप ये ज़रूर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही हमने बस इसका चूल्हा बंद कर दिया और ये फ्रेंच फ्राइज कुछ बनाए और ये इसके साथ ही हम खाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। पराठे से खाएं, नान से खाएं, शीरमाल से खाएं, आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह भी आप इसे पूरी से भी खा सकते हैं। तो बहुत जल्दी बहुत कम वक्त में बन जाने वाली मज़ेदार सी दम कीमे की रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, तो मैं अपने आज के छोटे से व्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।